दोस्तों, हम लोग जब नर्सरी से कोई भी पौधा लेके आते हैं, अमरूद का या कोई पौधा, तो हम लोगों का पौधा जिस गमला में लगाते हैं या गोरो बैग में लगाते हैं, पता लगे कि वो पौधा हम लोगों का मर जाता है या बच भी गया तो वो ग्रो नहीं होता, चलता नहीं है, बहुत दिन बाद वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो उस समय हम लोग को नर्सरी से लाने के बाद हम लोगों को पौधा मिट्टी कैसे बनाना है, कौन सा मिट्टी है, मिट्टी में क्या क्या मिलाना है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपका पौधा ऐसा होता है तो आप सही वीडियो में आए हैं, और वीडियो का देख लेंगे तो आपको बिल्कुल आपका पौधा कभी मरेगा नहीं और पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। दोस्तों, तो इसमें हमने लिए है 50% सॉरी 60% गार्डन सॉइल और 40% हो गया आपका गोबर का खाद और थोड़ा सा बुझी हुई चूना, जो बुझी हुई चूना कहते हैं, और थोड़ा सा लेंगे हल्दी। तो यह हम लोग मिक्स करेंगे। हम लोग मिक्स करने के बाद इसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम लोग इस मिट्टी में लगाएंगे। अब इस तरह मिट्टी बना के अब रख भी सकते हैं, 20-25 दिन बाद भी पौधा लगा सकते हैं और तुरंत भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 20-25 दिन बाद लगाने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये देखिए, अमरूद का हाइब्रिड, अमरूद का पौधा है, ये हमने नर्सरी से लाया है। तो इसमें एक गोवा भी कहा जाता है, इसको गोवा का प्लांट भी कहते हैं। तो हम इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हम लगाएंगे। और जब इसको पौधा को आपको ग्रो बैग में लगाना है, देखिए ये 2 इंच के ग्रो बैग में लगा है, तो इस हिसाब से हमारा पौधा काफ़ी बड़ा हो गया। पौधा जैसे जैसे बड़ा होता है उसको ग्रो बैग चेंज करना पड़ता है। तो हम ये 2 इंच 2.5 इंच के ग्रो बैग में लगा है, तो हम लगाएंगे 6 इंच ग्रो बैग में, क्योंकि पौधा हमारा लगभग 10 इंच का हो गया है, 10-12 इंच। तो हम ये 6 इंच के ग्रो बैग में लगाएंगे इसको, और जैसे इससे भी पौधा बड़ा हो जाएगा 20-25 इंच, तो उसको भी चेंज करेंगे। तो हमने ग्रो बैग ले लिया, और पौधा को जब भी आप निकालना, या तो झिल्ली काट के निकालें, या तो आप अगर निकाल सके तो बढ़िया, जैसे हम निकालना हो ऐसे ही निकालना सेम, आपको पौधा को जड़ के मिट्टी, वो मिट्टी एक भी ख़राब ना हो, तो आपको सेम ऐसे ही निकालना है। और निकालने के बाद आपको पौधा अथवा मिट्टी दे देना ग्रो बैग के नीचे, और मिट्टी ग्रो बैग क्योंकि नरम होता है तो इसलिए हम किनारे किनारे थोड़ा सा दबा देंगे कि मिट्टी हमारा सेट हो जाए। उसके बाद हमने ग्रो बैग को हमने लगाएंगे इस तरह कि इसमें हमारा जो दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा मिट्टी फिर से थोड़ा सा दबाएंगे। देखिए, पौधा को जब भी आपको निकालना है तो इतना ध्यान दीजिए कि ग्रो बैग या तो फाड़ के निकालें, या तो आपका मिट्टी सही जगह निकलता है ठीक है ग्रो बैग आपका, नहीं तो ग्रो बैग बचाने के चक्कर में नहीं रहना आपको। आपको 20 सेंटर पे रखना, 20 सेंटर पे रखने के बाद आपको मिट्टी देना किनारे 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 किनारे, जो कि मिट्टी देंगे आप, ये मिट्टी आपका, देखिए ये मिट्टी जो दे रहा हूँ हमने, ये मिट्टी आपका इसमें दबा के देना किनारे किनारे। बीच में जो मिट्टी है उसमें आपको टच नहीं करना है, क्योंकि वो मिट्टी अगर दब जाएगा तो जड़ आपका हिल जाएगा, तो पौधा हो सकता है कि मर जाए, तो इसीलिए उसको हिलाना नहीं है। तो आपको सेंटर इसको किनारे किनारे आपको दबा देना है कि पानी देने के बाद पौधा हमारा इधर उधर ना हिले। उसके बाद आपको अगर गर्मी का मौसम है तो 2 दिन छाए में रखना ग्रो बैग में, जब नर्सरी से पौधा लाते हैं लगाने के बाद। अगर ठंडी के मौसम है तो आप 1 दिन आप रखेंगे छाए में, और उसके बाद धूप में रखेंगे, जहाँ पे बढ़िया धूप आता है, सनलाइट आता है, वहीं पे रखेंगे आप, और फिर थोड़ा सा मिट्टी देके आप इसको दबाएंगे। ये हमारा हाइब्रिड अमरूद का पौधा है, जो कि कटिंग वाला नहीं है पौधा है, लेकिन इसमें जब भी फल होगा तो 1 किलो साइज़ का फल होगा। तो जब भी आप अमरूद का पौधा आपको लगाना है तो मिट्टी थोड़ा तैयार कर लीजिए, ना आपका पौधा मरेगा कभी, चाहे जितना नर्सरी से, चाहे जितनी गर्मी में लाएंगे, दो सर्दी में लाएंगे, आपका पौधा कभी मरेगा नहीं। और मेन पॉइंट है कि आपको मिट्टी थोड़ा बना के दीजिए तो आपका पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। अब पौधा थोड़ा सा जब बड़ा होगा तो आपको कटिंग करना पड़ेगा, लेकिन वो कटिंग वाला स्टेज तो बाद में होता है। अब हम थोड़ा देंगे इसमें मिट्टी और देंगे, मिट्टी थोड़ा कम है, और मिट्टी थोड़ा दबा देंगे किनारे किनारे, और पौधा के जो मिट्टी लगी है वो तो बीच में है, इसलिए किनारे किनारे हमको दबाना है, नहीं तो अगर पानी डालेंगे तो इधर उधर हिल जाएगा, तो पौधा हमारा सीधा नहीं रहेगा। तो अमरूद का पौधा लगाने के सही तरीका आपने जान लिए हैं, आपको कैसे लगाना है और क्या क्या मिलाना है। अगर सेम मिट्टी में आप लगाते हैं तो अमरूद का पौधा आपका मर नहीं सकता और बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा।
ये मान के चले 2-3 महीना में आपका कटिंग करने लायक हो जाएगा, 2 महीने के अंदर, जो कि 12 इंच का पौधा है। तो आप थोड़ा सा देंगे इसमें पानी, पानी दे देने के बाद हम थोड़ा देखेंगे पानी ठीक है। अब दोबारा पानी उनको नहीं देना है, इसमें हमारा पौधा लग के तैयार है। अब इसको एक दिन के लिए हम छाए में रखेंगे और उसके बाद फिर सनलाइट में रखेंगे। आपकी जब भी अगर अमरूद का पौधा नर्सरी से लाते हैं, सेम तरीक़ा से लगाएंगे तो आपका पौधा कभी मरेगा नहीं, बहुत तेज़ी से ग्रो होगा।